तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पावर बीआई के बैच है, पावर बीआई को सीखने से पहले हमें पिवट टेबल को सीखना होता है। तो पिवट टेबल में हम कैलकुलेशन की पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ डाउट रह गए हैं इम्तियाज के लिए। हालांकि कैलकुलेशन का पार्ट मैंने कवर कर लिया, फिर भी कुछ डाउट है वो क्लियर मैं कर देता हूँ इम्तियाज के लिए। चलिए मैं स्कीम देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने बोला कि आपके पास एक ही कॉलम में यस नो या एरोबिक कैटेगरी है, तो सबसे पहले चलिए उसके लिए मैं डेटा बनाता हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अटेंडेंस मान लीजिए ना, मैंने या फिर ज्वाइन, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं उस पे। यहाँ आपको यस एंड नो का इंडिकेशन मिला हुआ, ठीक है। तो हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, ठीक है सर। अब इसमें मैं लगाता हूं फॉर्मूला, इंसर्ट पिवट टेबल। अब जैसे कि हमने क्या किया, नेम को यहां रखा, ओके, एंड ज्वाइन को यहां रखा, एक काउंट आ रहा है, बट इसमें यस एंड नो का काउंट नहीं है, तो मैंने ज्वाइन को रख दिया कॉलम। यहां पे नो और यस आ गया, ओके। अब इसमें क्या है कि आपके सामने ग्रांड टोटल है, इन दोनों को मिला के टोटल है, इंडिविजुअली टोटल है, दिख रहा है सर आपको? तो मुझे इनका परसेंटेज चाहिए। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि परसेंटेज ओवरऑल में आप चाहते हैं, परसेंटेज आप ओवरऑल में चाहते हैं, या एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, यस या नो में यहां रख देता हूं, नेम को भी यहां रख देता हूं। तो परसेंटेज ओवरऑल में चाहते हैं या कि कॉलम वाइज चाहते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं सर, दोनों दोनों तरफ से। हाँ जी, तो जैसे आपने कर दिया परसेंटेज ऑफ कॉलम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल किया, तो क्या होगा 322 से सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। बात समझे? जी जी। तो यहाँ देखिए कि ओवरऑल में 0.3% पूजा की है, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल 54% नो है एंड 45% यस है, और उसके अलग अलग आइटम्स के हिसाब से यस एंड नो का परसेंटेज है। ग्रांड टोटल का जो दिख रहा है, एक कॉलम ना भी होगा तो चलेगा, लेकिन आप जानना चाहते हैं ओवरऑल इसमें नेम के हिसाब से कि पूजा का नो कितना है और यस कितना है ओवरऑल में, जी सर। तो यहाँ वैल्यूज ऑफ यहाँ पे कॉलम टोटल करेंगे, तो कॉलम टोटल क्या होगा, यहां से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल में पूजा का नो जो है 9% है और यस 16% है, और ये 8% किसका है, टोटल के हिसाब से। अच्छा, ये जो अभी किया सर, ये परसेंटेज ऑफ ग्रांट, ये किसे किए? हाँ, क्या अभी जो अभी किए, कौन सा ऑप्शन चुने थे? परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल, परसेंटेज ऑफ नहीं, कॉलम कॉलम टोटल, कॉलम टोटल। तो ये सर जैसे कि पूजा पूजा फिर से एक बार अंडो कीजिए तो सर इसको एक बार और नंबर नंबर चाहिए हमको। हाँ, ये 27 में 24 था सर, वो नंबर निकला था कि ये 148 में निकला था। सिंपल सिंपल बात समझ लीजिए, आप अगर परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल करते हैं ना, तो आपको 322 से सारे नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करते हैं तो 74 से इसको डिवाइड करेगा सारे को, 48 से सारे को डिवाइड करेगा। परसेंटेज ऑफ रो टोटल टोटल करते हैं तो 27 से सबको डिवाइड करेगा। अच्छा, रो के लिए 24, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए जी सर, जी सर। अच्छा सर, इसमें मान लीजिए मेरे पास एक टारगेट है, पूजा के लिए एक टारगेट है, हर एक नाम के एक टारगेट अलग से है, अगर उस टारगेट के अगेंस्ट में जितना नंबर आया है उसको निकालना होगा तो क्या करेंगे? अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपको ये देखना है कि भाई सारे जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाने चाहिए, ये बोल रहे ना? हाँ जी सर, परसेंटेज निकल जाइए, मगर उसका टारगेट अलग है। पूजा के लिए हम टारगेट अलग रखे हैं, नीरज के लिए अलग, कविता के लिए, मोहन के लिए अलग।
नहीं पिवट पे नहीं, मैनुअल करना पड़ेगा। ओ अच्छा, उसको उसको मैनेज करना पड़ेगा, वो पिवट पे नहीं, नहीं यानी हम ले जाना पड़ेगा अलग से, जो टारगेट है उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। आपको कॉपी करके पिवट मैनुअल करना पड़ेगा। हाँ समझ गया, हेलो सर, जी, मगर ये सुविधा सर कि आप पावर बी आई अगर क्या आपका फिक्स नहीं पावर में भी सेल, अगर आपका फिक्स टारगेट है, आपका एक फिक्स टारगेट है, हाँ, फिक्स टारगेट है तो आप टारगेट डाल कर निकाल सकते हैं, आपने बताया आपको फिक्स टारगेट है, जैसे मैं चाहता हूँ फिक्स टारगेट हमारा, तो टारगेट डाल कर निकाल सकते हैं। और यस एंड नो को यहाँ फिल्टर में रख दें, यस वाला आपका यहाँ, नो वाले दिख जाएंगे यहाँ पे, और यस वाले दिख जाएंगे आपको यहाँ से, ठीक मगर टारगेट अगर है वेरी वेरी कर रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। जी? नहीं अरे वो सुविधा क्या पावर बीआई में है सर, नहीं बाजू में नहीं, उसमें भी? अच्छा ठीक है जी सर, थैंक यू सर, आगे बढ़े। जी, ठीक ओके, तो आज हम आपके साथ स्लाइसर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब स्लाइसर की जरूरत क्यों पड़ती है, अब चीज को जानिए। मैं एक डेटा लेता हूं आपके सामने, आपके सामने एक डेटा है, छोटा सा डेटा है, दिख रहा है? अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस डेटा के ऊपर अपना एनालिसिस करना है। अब मैंने इंसर्ट किया पिवट टेबल, और हमने मान लीजिए कि हमने निकाल दिया इंडस्ट्री वाइज क्वांटिटी का टोटल, और मुझे इसमें विजुलाइजेशन भी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां से चार्ट लगा दिया, चार्ट लगा दिया। अब यही पे दिक्कत आ गई कि मुझे क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज भी चाहिए। तो अगर मैंने इसमें एमआरपी डाला और एमआरपी का मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया, दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे एमआरपी दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि एमआरपी बहुत छोटा है, इसलिए चार्ट से आएगा ही। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्सेस। बट सेकेंडरी एक्सेस तो एक कर लोगे, लेकिन आपके पास ऐसे 8-10 अलग अलग क्राइटेरिया है। सो मैं 8-10 अलग अलग पिवट लगाना चाहता हूँ हर एक चीज के लिए। जैसे हमने पहले लगा लिया यहाँ पे इसकी पिवट, अब मैं दूसरा कस्ट यहाँ पे कंज्यूमर इंडस्ट्री वाइज मैं यहाँ पे एमआरपी का एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो पिवट लगाते समय यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और जहां आप जाएंगे वहां सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। अब इसके ऊपर मैंने इंडस्ट्री और यहाँ एमआरपी रख दिया और एमआरपी का एवरेज रख दिया। अब दोनों के लिए अलग अलग चार्ट बन जाएगा क्या, और दोनों अलग अलग हम तरीके से हमें दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूसरा चार्ट तभी एक्टिव कीजिए जब पहला आपका फाइनल हो जाए, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे और यहाँ आएगा तो आपकी इस पिवट को ओवरराइड कर देगा, डिलीट कर देगा। सो इसका ध्यान आप रखेंगे, ठीक है? अजय जी, अजय जी में आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जैसे तीसरा पिवट चाहिए तो हर बार इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पिवट को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो एज ए पिवट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगला मुझे चाहिए इंडस्ट्री नहीं, मुझे चाहिए क्वार्टरली, नहीं चाहिए क्वांटिटी का टोटल चाहिए ही चाहिए, बट क्वार्टरली और यहाँ ईयरली चाहिए, बन गया। और मुझे एक नीचे एक और हम फिल्टर लगाते हैं, इसी कॉपी पेस्ट करते हैं, और मुझे इसमें चाहिए सेल्स पर्सन, इंडस्ट्री हटा देता हूँ, सेल्स पर्सन और मंथली, ठीक है सर। अब मेरे इस तरह के चार रिपोर्ट अलग अलग पिवट बन गए, बट मुझे इसको इस तरह से डेटा पे नहीं दिखाना है, मुझे इसको एक अलग शीट समरी शीट पे दिखाना है एज ए पिवट टेबल, एज ए समरी शीट, मतलब कि एज ए डैशबोर्ड पर। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं चार्ट, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट इंसर्ट करते हैं, इसको कट करते हैं और हम यहाँ समरी पे इसको पेश कर देंगे। वापस इस पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं हम अपना चार्ट, इसको कट करते हैं और समरी शीट में हम पेश कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट।
अब इसको मुझे एज ए डेटा ही चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ईयर दे देता हूँ, और उसके बाद हमने इसकी अच्छी सी एक फॉर्मेटिंग डिजाइन कर लेता हूँ। मुझे इसका चार्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका फिगर चाहिए, और फिर हम इसको कॉपी करते जितने एरिए को कॉपी, और समरी शीट पे मैं यहाँ पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देता हूँ। ठीक है सर, पिक्चर लिंक इसलिए किया ताकि वो पिवट से कनेक्टेड। इसके रखना उधर रखता हूँ मैं इसको। अगला पिवट, अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा ये है मंथली रिपोर्ट। यहाँ पे भी हम जो है मैप इसको लगाइएगा, मैं इस पे ये चार्ट लेता हूँ, इसको कट कर और यहाँ समरी में डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को अरेंज करता हूँ। अब इसमें जैसे कि राइट क्लिक किया, यहाँ से हाइड बटन, राइट क्लिक किया हाइड बटन, यहाँ राइट क्लिक किया हाइड बटन, ठीक है। अब इसमें टोटल आ रहा है तो इसकी टाइटल देता हूं, क्वांटिटी यहां देता हूं ए वी जी एम आर टी, थोड़ा सा नीचे घसता हूँ इस पे हमारा स्ट्रक्चर। नहीं इसको यही प्रश्न देते हैं, अपने मर्जी से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारा रिपोर्ट तो तैयार हो गया, मैं यहाँ पे पेज गार्ड में जाता हूँ, डेडलाइन पे जाता हूँ, अनचेक कर देता, छोटा स्क्रीन करता हूं, रिपोर्ट दिख रही है। अब मुझे मान लीजिए फिल्टर इस्तेमाल करने, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां देखना चाहता हूं एक पर्टिकुलर रीजन का शेयर, तो अगर मैंने पिवट टेबल पे गया और हमने रीजन को उठा के फिल्टर में रख दिया, आ गया। अब मैंने फिल्टर को यहां से यूरोप सेलेक्ट कर लिया, यूरोप सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे मेरे समरी में सिर्फ मेरा सिर्फ ये चेंज हुआ, बाकियों में कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज है कि मान लीजिए मुझे फिल्टर सबसे अलग अलग फिल्टर लगा दो, तो मुझे पिवट में जाके फिल्टर करने पड़ जाएंगे ना। हमें ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम चाहिए जो हम इसको समरी शीट पर रख सकें। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम स्लाइसर ऐड करेंगे। तो स्लाइसर में हम आते हैं रीजन, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, मंथ, सेल्स पर्सन, ईयर, क्वार्टर, हमने ले लिया, कितने सारे हमने ले लिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से कट करता हूं और चला जाता हूं समरी शीट, और समरी शीट पे मैं यहां पे पेश करता हूं, यहां पे उसको अरेंज करता हूं सही। और थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ, और क्वार्टर को भी
जो लंबा है उसको ही छोटा कर। और इसको टू लाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे, स्लाइसर टू कॉलर। इसको भी थ्री कॉलम कर दिया। इस अपने मर्जी से जहां मर्जी वहां इसको अरेंज आप कर सकते। हो गया। अब इस रिपोर्ट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा कर, और नीचे भी कुछ और चीजें भी डाल सकता हूं मैं, जैसे कि मैंने डेट वगैरह डालना है इसमें तो डेट वगैरह भी डाल सकता हूं। अब देखिए मेरा रिपोर्ट बन गया, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूं उसके स्क्रीन को। अब जैसे कि मैंने यहां पे फाइनेंस को सिलेक्ट किया तो मेरा रिपोर्ट फाइनेंस के अकॉर्डिंग मूव कर गया। मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए यूरोप को सिलेक्ट किया तो यूरोप से मूव किया, लेकिन सिर्फ एक चार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्लाइसर लगाया था सिर्फ एक चार्ट से लिंक था, लेकिन मुझे बाकियों से भी लिंक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकियों पे जाना है, पिवट टेबल से एनालाइज पे स्लाइसर और स्लाइसर नहीं है फिल्टर कनेक्शन। तो जितने भी स्लाइसर आपने लगाए हैं उसको यहां से आप क्लिक कर दीजिए, वो आपके लिंक हो जाए। इस पे भी करना है ना, सॉरी, यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन हमने क्लिक किया। अजय जी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इस पे आए और यहां पे हमने फिल्टर कनेक्शन एंड हो गया। अब मैं समरी पे किसी पे भी क्लिक करूंगा, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए हमने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया क्वार्टर वन, तो पूरा रिपोर्ट क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग आ गया। हमने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट वन, तो प्रोडक्ट वन पे। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हुआ कि ये यहाँ छोटा कर गया, तो राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन पे आइए, ऑटो फिट कॉलम विड्थ रिजर्व फॉर्मेटिंग अपडेट अनचेक कर दीजिए, और यहां भी सेम पिवट टेबल ऑप्शन। इससे क्या होगा कि ये आपको ऑटो फिट नहीं करेगा, जैसा फॉर्मेट है वैसा ही रहेगा। और मैंने सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूं, सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा।
अब कॉलम नहीं होगा। अगर मैंने यूरोप को सिलेक्ट किया तो यूरोप के अकॉर्डिंग मैंने अगस्त को सिलेक्ट किया तो ये अगस्त का आ जाएगा। सर सर ये तो हमने किया कि हमारी एक ही शीट पे हमने पिवट लगाया और उस पे हमने ऐड कर दिया स्लाइडर और उसे हमने जॉइन कर दिया सर, लेकिन अच्छा हमारे पास दो अलग अलग शीट्स हैं जिसमें हमें पिवट लगाना है, मे बी कोई एक कॉमन फैक्टर है, सो लेट्स से आपका ईयर कॉमन फैक्टर। इसके लिए आपको समझना होगा पिवट टेबल रिलेशनशिप जो कि हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। ओके ठीक है सर, पिवट रिलेशनशिप आपको इसमें हम बात करते हैं पावर पिवट टेबल, पावर क्यूरी, ये सारी चीजें की दो क्लास आपकी होगी। अब ये जो अगली जो दो क्लास है वो दो क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों क्लास जैसा है वैसा ही सेम आपका पावर बीआई में भी यूज होगा। ठीक है, सेम आपका पावर बीआई में भी यूज होगा तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये स्लाइसर जो हमने ऐड किया है सेम स्लाइसर आपका इस पे भी होता है, पावर बीआई में भी होता है स्लाइसर, बट पावर में इतना इजी स्लाइसर नहीं है, थोड़ा स्लाइसर उसमें सब डिफिकल्टी होती है, तो हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ स्लाइसर समझ रखेंगे तो आप पावर बीआई की स्लाइसर को इजी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप मल्टीपल पिवट के भी स्लाइसर का मल्टीपल डेटा पे भी स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिलेशनशिप जैसे मान लीजिए कि एक डेटा वन है डेटा टू है, तो डेटा वन में कुछ इन्फॉर्मेशन है डेटा टू में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आपको जैसे कि डेटा वन का कुछ कॉलम देना है डेटा टू का कुछ कॉलम देना है, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन आपको यह है कि मान लीजिए कि डेटा वन डेटा टू मुंबई से आया हुआ है, डेटा टू आपका दिल्ली से आया हुआ है, लेकिन आपको मुंबई और दिल्ली इकट्ठे पिवट बनाना है ना एक के नीचे डाल के, तो उस केस में आपको क्यूरी इस्तेमाल करना होगा मर्ज क्यूरी। ठीक है, तो हम आपको कल की क्लास में दोनों चीज समझाएंगे। राइट, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे आगे की चीजें।